Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग इंग्लिश का एक और चैप्टर करते हैं, माई एल्डर ब्रदर। चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू स्टोरी। बच्चों को जब हम लोग स्टोरी सुनाते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। हैव यू एवर लिसन टू बेड टाइम स्टोरीज टोल्ड बाई योर ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स? क्या कभी आपको सोते समय आपके दादा दादी जी या आपके माता पिता कोई स्टोरी सुनाए हैं? अडल्ट्स एंजॉय रीडिंग स्टोरी। जो बड़े होते हैं, अडल्ट्स मतलब जो बड़े हो चुके हैं, उनको स्टोरीज पढ़ना पसंद होता है। इन स्पाइट ऑफ आवर बिजी रूटीन वी लाइक टू स्नैच सम टाइम्स टू रीड स्टोरीज एज अ पास टाइम। हमारा बिजी रूटीन होता है, फिर भी हम समय निकाल लेते हैं कि हम कुछ कहानियाँ पढ़ सकें। द शॉर्ट स्टोरी इज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एंड इम्पॉर्टेंट लिटरेरी फॉर्म। शॉर्ट स्टोरी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है लिटरेरी फॉर्म में। शॉर्ट स्टोरी पढ़ना, उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। अ शॉर्ट स्टोरी इज ब्रीफ एंड ऑफन हैज एन अनएक्सपेक्टेड एंडिंग। अब देखिए, जो शॉर्ट स्टोरी होता है वह संक्षिप्त में लिखा जाता है और इसका जो एंडिंग है वो ज़्यादातर अनएक्सपेक्टेड रहता है। आप नहीं सोचते हो कि क्या होगा। माई एल्डर ब्रदर इज अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट टू ब्रदर्स हु हाउ दे इनिशियली रिलेट टू ईच अदर एंड हाउ अ चेंज कम्स अबाउट इन देयर बिहेवियर एज द स्टोरी डेवलप्स। अब माई एल्डर ब्रदर ये क्या है? ये एक शॉर्ट स्टोरी है। इसमें दो भाइयों का कहानी दिया हुआ है जो इनिशियली स्टार्टिंग में एक दूसरे से रिलेट कर पाते हैं। उसके बाद जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ता है तो आप देखेंगे कि उनका बिहेवियर कैसे कैसे चेंज होता है। अब अगर आप हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि जब भी हम लोग कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप क्या क्या कर पाएंगे? एनालाइज द बिहेवियर एंड एटीट्यूड ऑफ द टू कैरेक्टर इन द स्टोरी। इस स्टोरी में दो कैरेक्टर होते हैं, उनका बिहेवियर एटीट्यूड को आप समझ पाएंगे। एक्सप्लेन द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन सिबलिंग्स। अब देखिए, सिबलिंग्स क्या होते हैं? भाई बहन, ओन ब्रदर सिस्टर सिबलिंग होते हैं। अगर आपके चाचा का लड़का या किसी और का लड़का या लड़की होगा तो वो आपके सिबलिंग नहीं, कजन होंगे। तो उनका आपस में कैसा संबंध होता है वो आप सीखेंगे। रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरगिवनेस इन रिलेशनशिप एंड इनकल्केट इट इन डेली बिहेवियर। किसी भी रिलेशनशिप में माफी देना, इसका महत्व क्या होता है वो आप सीखेंगे। साथ ही साथ हर रोज जो व्यवहार होता है उसको भी आप समझ पाएंगे। आइडेंटिफाई नाउन क्लॉज एंड डिफाइन देयर फंक्शन। ग्रामर के पोर्शन में यहाँ पे हम लोग नाउन क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। एंड रिकॉर्ड सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस इन अ डायरी और अ लर्निंग जर्नल। फिर आप एक डायरी या लर्निंग जर्नल में आप सीखेंगे कि कैसे अपने अनुभव को लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम होगा, हम लोग चैप्टर सीख पढ़ेंगे, समझेंगे कि चैप्टर में क्या था। तो चलिए आइए वो पोर्शन हम लोग करते हैं। 11.1 लेट अस रीड द टेक्स्ट। आई वॉज ओनली अ ईयर एंड सम मंथ्स यंगर देन वल्लोद्या। वी ग्रू अप स्टडीड एंड प्लेड टुगेदर। मैं सिर्फ एक साल और कुछ महीने ही छोटा हूं वल्लोद्या से। तो यहां पे दो कैरेक्टर हैं, एक का नाम वल्लोद्या है और दूसरा उसका छोटा भाई है जो कि उससे एक साल और कुछ महीने छोटा है। वह बोल रहा है कि हम लोग एक साथ बड़े हुए, एक साथ पढ़ाई लिखाई किया, एक साथ हम लोग खेले कूदे। नो डिस्टिंक्शन ऑफ एल्डर एंड यंगर वॉज मेड बिटवीन अस। हम लोग के बीच में बड़ा और छोटा इसका कोई अंतर नहीं हुआ कभी। But just about the time I am speaking of, I began to realize that I was no comparison for him, either in age, in interest, or in ability. और मैं उस समय की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जब मैं ये समझने लगा था कि मेरा जो भाई है उसके जैसा मैं नहीं हूँ, ना उम्र में, ना सोच में और ना क्षमताओं में। It even seemed to me that Valodia himself was aware of his superiority and was proud of it. और मुझे ये भी लग रहा था कि जो वल्लोद्या है, मेरा बड़ा भाई, उसको ये पता है कि वह मेरे से ज़्यादा अच्छा है और उसको इस बात का घमंड भी है। This idea, it may have
being a wrong one, was inspired by my vanity, which suffered every time I came in contact with him. अब ये जो मेरा सोच था, हो सकता है कि यह गलत हो, ये तब आया जब मुझ में घमंड आया था, मुझ में गुस्सा आया था, और जब जब मैं उससे मिलता था तो मुझको बहुत ही ज़्यादा गुरूर होता था, घमंड होता था. वैनिटी का मतलब होता है घमंड. He was better than me in everything, at lessons, in arguments, and in manners. And all this took me farther from him and caused me more moral anguish, which I could not understand. मेरा बड़ा भाई वलोदया, या ही कौन है वलोदया, वो मुझसे हर चीज में अच्छा था. पढ़ने लिखने में अच्छा था, बहस करने में अच्छा था, मैनर्स में अच्छा था. मैनर्स का मतलब तहजीब होता है. और इसके वजह से मैं उससे बहुत दूर होता गया और मैं बहुत चिड़चिड़ा होता गया, जो मुझे समझ नहीं पा रहा था मैं. When Valodya was given a tucked linen shirt for the first time, I was unhappy for not having a shirt like that. जब Valodya को एक tucked linen shirt मिला पहली बार, तो मुझे बहुत ही खराब लगा कि मेरे पास शर्ट नहीं है उस तरह का. I'm sure I would have felt happier if I was convinced that every time he arranged his collar, it was not done to annoy me. मुझे ये यकीन है कि मुझे अच्छा लगता अगर मैं खुद को ये समझाता कि जब जब वो अपने शर्ट का कॉलर ठीक कर रहा है तो वो मुझे चिढ़ा नहीं रहा है. What tormented me most was that it sometimes seemed to me Valodya understood that what was going on inside me, but he tried to hide it. अब देखिए, टॉर्मेंटेड का मतलब क्या होता है. टॉर्मेंटेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा में आना. तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा लगता था जब मुझे ऐसा एहसास होता था कि वलोदय समझ रहा है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, लेकिन वह इसको बता नहीं रहा है और छुपा ले रहा है. But perhaps my sensitiveness and tendency to analyze deceived me in this case. लेकिन यहाँ पर जो मेरा सेंसिटिवनेस है और टेंडेंसी टू एनालाइज, हर चीज़ को समझने का, उसको एनालाइज करने का जो मेरा आदत है, वो मेरे को धोखा दे देता है इस सिचुएशन में. इट मे बी Valodya डिड नॉट फील एट ऑल एज आई डिड. ऐसा हो सकता है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा Valodya एकदम ही ना सोच रहा हो. ही वॉज इम्पल्सिव एंड हिज एंथुजियाज्म इन डिफरेंट हॉबीज डिड नॉट लास्ट लॉन्ग. अब देखिए, एक एक करके वर्ड का मतलब समझिए. सबसे पहला इम्पल्सिव. इम्पल्सिव का मतलब होता है एक्टिवेटर, बिगनर, ठीक है. और एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म इसका मतलब होता है उत्साह. वह कोई भी एक हॉबी में ज्यादा दिन तक उत्साहित नहीं रहता था. ही वुड सडनली डेवलप अ पैशन फॉर पिक्चर्स, हिमसेल्फ टेक अ पेंटिंग, spend all his money buying them and beg them of his drawing master, of papa and of grandmama. अचानक से उसको pictures में interest हो जाता था, ठीक है. वो painting ले लेता था और उसके पास जितना पैसा होता था वो सारा खर्चा कर देता था painting के पीछे, ठीक है. और अपने drawing master के सामने, papa के सामने और grandmama के सामने वह भीख मांगता था. Then it would be a craze for curious to decorate his table, collecting them from every room in the house, or a mania for novels which he obtained on the sly and read all day and night. अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है. कभी ये होता था कि अचानक से उसको अपना टेबल डेकोरेट करने का मन होता था. वो हर एक कॉर्नर से, हर घर के हर एक कोने से चीजें इकट्ठा करता था. कभी कभी ऐसा होता था कि उसको नॉवल का भूत चढ़ जाता था और वो दिन रात नॉवल पढ़ता था. I could not help being impressed by his hobbies, but I was too proud to imitate him and too young and not independent enough to choose a hobby for myself. मैं खुद को नहीं रोक सका और उसके हॉबी से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता था, लेकिन मैं मुझ में बहुत घमंड था कि मैं वह जो कर रहा है उसको नकल उतारूं. इमिटेट का मतलब होता है नकल उतारना. और मैं बहुत ही बच्चा था उस समय और इंडिपेंडेंट नहीं था, ठीक है, कि मैं अपने हिसाब से कुछ हॉबी चुन सकूं.
But there was nothing I envied so much as Valodya's happy large-heartedness, which showed itself more strikingly when we quarreled. लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे को गुस्सा इस बात का आता था कि वलोदिया का जो दिल था वो बहुत ही बड़ा था और जब भी हम लोग लड़ते थे तब मुझे यह चीज़ समझ में आता था. I always felt that he was behaving well, but I could not do likewise. मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि वह बहुत ही अच्छा से व्यवहार कर रहा है लेकिन मैं वह नहीं कर पाता था. Once when his passion of ornament was at his height, I went up to his table and accidentally broke an empty bright colored little scent bottle. एक बार जब उसको ornaments collect करने का बहुत ज़्यादा भूत चढ़ा था, वो बहुत ज़्यादा passionate था उसको लेके, तो गलती से उसके table के पास मैं गया और वहाँ पे accidentally उसका एक scent bottle था छोटा सा bright color का, ठीक है, लेकिन वह बॉटल खाली था. वह मुझसे टूट जाता है. Who asked you to touch my things? Demanded Valodya, coming into the room and seeing how I had upset the symmetry of the different treasures on his table. And where is the scent bottle? You must have. Valodya गुस्सा हो जाता है और रूम में आते ही वह जब देखता है कि सिचुएशन कैसा है तब वह बोलता है कि तुमको कौन बोलता है मेरा सामान छूने के लिए और सेंट बॉटल कहाँ है, तुम जरूर. आई नॉक्ड इट ओवर बाई एक्सीडेंट एंड इट ब्रोक, वॉट डज इट मैटर. वह गलती से मुझसे धक्का लग गया और वह टूट गया और फिर इससे क्या हो गया. तो डू मी द फेवर, नेवर डेयर टच माई थिंग्स अगेन, he said, and putting the piece of the broken flask together and looking at them sorrowfully. Valodya bolta hai ki kaam karo, kabhi mera koi saman mat chhuna. Ye woh baat bolta hai, uske baad jo toota hua flask hai usko woh uthata hai, ikattha karta hai aur usko dukhi hokar dekhta hai. And you please don't issue orders, I retorted, that's all. Aur fir chhota bhai bolta hai ki suno, tum mere ko order mat do, theek hai. And I smiled, though I did not feel in the least like smiling. फिर मैं हंसने लगा लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा था हंसने का. Yes, it's nothing to you, but it does matter to me, pursued Valodya, jerking his shoulder, a gesture he had inherited from Papa. He goes and breaks it and then laughs, the nasty little brat. हाँ, ये तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता है लेकिन ये मेरे लिए मायने रखता है. वलोदिया ये बात बोलता है, अपना शोल्डर से वो हिलाता है जैसे कि वो अपने पापा से सीखता है यह चीज़, और वो बोलता है कि वलोदिया कि तुम जाते हो चीज़ों को तोड़ देते हो और हंसने लगते हो, ठीक है. नास्टी लिटिल ब्रैट का मतलब होता है छोटा बच्चा जो बहुत बदमाश है. आई एम अ लिटिल ब्रैट एंड यू आर बिग बट यू आर स्टूपिड. हाँ, मैं छोटा हूँ, छोटा बच्चा हूँ, लेकिन तुम बड़े हो, लेकिन तुम गधे हो. I'm not going to quarrel with you, said Valodya, giving me a slight push. Go away. मैं तुमसे बहस नहीं करने वाला हूँ. Valodya ये बात बोलता है, हल्का सा धक्का देता है अपने छोटे भाई को और बोलता है जाओ यहाँ से. Don't push. धक्का मत दो. Get away. जाओ यहाँ से. Don't push. I tell you. मैं बोल रहा हूँ, मुझे धक्का मत दो. Valodya took my word and tried to drag me away from the table, but I was beside myself by now. I got hold of the leg of the table and tipped it over. There now, all his china and glass ornaments crashed on the floor. Valodya मेरा बात सुनता है और मुझे वहाँ से घसीटने का कोशिश करता है, टेबल से दूर ले जाने का कोशिश करता है, लेकिन उतने में मैं टेबल का लेग पकड़ लेता हूँ और वह गिर जाता है टेबल, और जितना भी वहाँ पे चाइना ग्लास ऑर्नामेंट सब था वह ज़मीन में गिर जाता है. You disgusting little boy, cried Valodya. You disgusting little boy, cried Valodya, trying to save some of his falling treasures. Valodya बहुत ज़ोर से बोलता है कि तुम बहुत disgusting हो, और वो अपना जो treasures है उसके जो खजाने हैं उसको वह गिरने से बचाता है. Well, now it is all over between us, I thought as I left the room. We have quarreled for good. लेकिन जब हम रूम से बाहर जा रहे थे, यहाँ से रूम से बाहर कौन जा रहा है, वलोदिया का छोटा भाई, वो बोलता है कि हम लोग के बीच में अब सब खत्म हो गया, ठीक है, अच्छा हुआ जो ये लड़ाई हुई. As soon as afternoon lessons were over, I left the room. जैसे ही दोपहर का लेसन्स ख़त्म हुआ हम रूम से बाहर चले गए. I was too scared,
अनकम्फर्टेबल एंड अशेम्ड टू बी अलोन विथ माई ब्रादर। मैं बहुत डरा हुआ था, बहुत ही अनकम्फर्टेबल था और अपने भाई के साथ मैं अकेले था तो मुझे बहुत ही शर्म आ रही थी। आफ्टर आवर हिस्ट्री लेसन्स इन द इवनिंग आई टुक माई एक्सरसाइज बुक्स एंड स्टार्टिंग टूवर्ड्स द डोर। और जब शाम को हम लोग हिस्ट्री पढ़े तो उसके बाद हम अपना एक्सरसाइज बुक लिए और दरवाजे की तरफ जाने लगे। एज आई पास्ड वलोदया दो आई वॉन्टेड टू गो अप टू हिम एंड मेक फ्रेंड्स आई स्कोल्डेड एंड पुट ऑन एन एंग्री एक्सप्रेशन। जैसे ही हम वलोदया के सामने से गए, हमको मन था कि हम उससे जाके बात कर ले और उससे दोस्ती कर ले, लेकिन हम उसके ऊपर चिल्ला चुके थे और हम गुस्सा जैसा एक्सप्रेशन दिए और वहाँ से चले गए। एट दैट मोमेंट वलोदिया रेज्ड हिज हेड ऑन विद अ मीनिंगफुल स्माइल लुक मी फुल इन द फेस। उस समय वलोदिया अपना सर उठाया, मेरे तरफ देखा, हंसा और मेरे पूरे चेहरे को देखा। Our eyes met and I knew that he understood me, but some irresistible feeling made me turn away. हम लोग की आँखें मिली, मुझे पता था कि वह मुझे देख कर समझ गया है कि मेरे मन में क्या चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसा फीलिंग हुआ कि मैं घूम गया। Nikki, he said in a most natural voice without a scrap of pathos. वलोदिया मेरा नाम लेता है, मेरा नाम क्या है, निकी है वलोदिया के छोटे भाई का नाम, और एक बहुत ही नेचुरल वॉइस में वो बोलता है, डोंट बी क्रॉस एनी मोर, फॉरगिव मी इफ आई ऑफेंडेड यू एंड ही हेल्ड आउट हिज हैंड। मुझे माफ कर दो अगर हम तुम्हारे को दुखी किए हैं, ठीक है, और वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। समथिंग दैट केम हायर एंड हायर सीम टू बी pressing my chest and stopping my breath, but this only lasted a second. Tear came to my eyes and I felt better. मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे छाती में कोई बहुत बड़ा बोझ है और मुझे रोने जैसा लग रहा था। कुछ पल के लिए मेरी सांसें रुकी और फिर लास्ट में मैं रोने लगा और रोने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। Forgive me, Valodia, I stammered. Squeezing his hand, Valodia looked at me as if he could not make out why there should be tears in my eyes. मुझे माफ कर दो Valodia, मैं हकलाते हुए बोला Valodia के हाथों को दबाते हुए, और फिर Valodia मेरे तरफ देखा और वो समझ नहीं पाया कि मैं रो क्यों रहा हूँ, मेरे आंखों में आंसू क्यों हैं। राइटर कौन है? लियो टॉल्स्टॉय, एक्सर्प्ट from his autobiographical novel Boyhood, originally written in Russian, translation by C.J. Hawker. अब देखिए ये जो आप चार्ट पर पढ़े ये शॉर्ट स्टोरी कहाँ का है? Boyhood नाम का एक autobiographical novel है, वहाँ से ये लिया गया है। ये originally Russian भाषा में लिखी गई थी और इसको C.J. Hawker translation किए थे English में।